पधारो बहन, रो मत आप, कहां से आए हैं? हैं? बीड से। ये कहां पड़ता है? 150 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, नजदीक आए। आपने यहाँ अपना नाम बताया था क्या किसी को? नहीं। तो हमें कैसे पता लगा? आप सब कुछ जानते हैं। बालाजी जानते हैं। बहन ऐसा मुंह करना है हनुमान जी के, थोड़ा नजदीक आओ ताकि आप पर्चा भी पढ़ सको। हम संभाजीनगर में भी आए थे गुरुदेव। हैं? संभाजीनगर। संभाजीनगर जब कथा करने छत्रपति संभाजीनगर हम आए तब आए थे। तो आप वहाँ मिल पाए थे क्या? नहीं, कोशिश तो बहुत की थी लेकिन नहीं मिले। नहीं मिल पाए, भीड़ बहुत थी। वहाँ समुदाय लाखों का था जैसे यहाँ। आज तो यहाँ भी ऐसा लग रहा है जैसे सनातन का महाकुंभ लग गया हो परभणी में। जहां देखो तहां पागल दिखाई पड़ रहे। हिंदी पढ़ लेते हैं आप? हाँ। बराबर। क्या समाधान उत्तर पाना चाहते हैं बागेश्वर हनुमान जी से? जो पर्चे मिलेंगे उनके समाधान चाहिए। हाँ पूछ लो। एक पहला घर का है, माँ का है। घर का क्या है आपका? वो जगह हमारी नहीं, बट हम वहाँ पे मतलब रहना चाहते, घर बनवाना चाहते। ठीक, एक दो। माँ का? माँ का भी पीड़ा है पैर में। ठीक है, तीन। बहन को भी ऐसी भूत बाधा की बहुत, कैसे मालूम नहीं पर बहुत परेशानी। वो आपकी भी बहन को? हाँ। तो वो आई है क्या? आने वाली थी लेकिन उस कुछ आगे धाम पे आ जाएंगी कभी? पता नहीं मतलब पर, हाँ, आ जाएंगे। मैं कहूँगी तो आ जाएगी। उसको बहुत पीड़ा है गुरुदेव, वो बहुत दर दर भटकी है। फिर भी कुछ पूछेंगे? भाई की भी शादी के है। पढ़िए। घर का हैरानी है, परेशान ना हो, 6 साल से इसी को सोच रहे हैं। कृपा 100% होगी, तुम्हारा स्वयं का नव निर्माण बन जाएगा। 26 मई 2026 तक माँ को पैर की पीड़ा, घुटनों का दर्द, नस की दिक्कत बनी हुई है। ऑपरेशन नहीं होगा, बहन पर करवाया गया प्रयोग है। जो पूर्णतया ठीक होगी वह उसका दिमाग भी ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद है जी गुरुदेव। बराबर। एक बात बहन के लिए, बिना माइक के हम बोल गए। हम बहन उपाय करेंगे आपको जो हमने संकेत दिए, लेकिन इनको नहीं बताना क्योंकि इनको बताएंगे तो ये लड़ाई करेंगे। जब क्लेश नहीं करवाना है। और एक बात, आगे उनका भी चंद्रमा है, धाम पर आप पहुंचे, इनको भी लेके बहन का चालू कर दो। बहन का बागेश्वर धाम की जय श्री राम, जय श्री राम। इस पर्चे को हम टीवी पर लाइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो उनका नाम उल्लेखित आया है, इसलिए ठाकुर जी की भक्ति बड़े, पर आपके पूरे परिवार के सदस्य विचित्र हैं। सीधी बात ये है, भक्ति के प्रति कम आकर्षण है और तुम उन सबसे लड़ते रहते हो लगातार। तुम्हें भी ताने देते हो और बागेश्वर धाम के दरबार में भी तुम लड़ करके ही आई। हमने देखा, हमारे गुरुजी ने देखा उस विषय को। आप रो मत बहन, हम अपने गुरुजी से बोल दिए हैं, प्रार्थना भी कर दिए, जाओ तुम्हारा परिवार भी बागेश्वर हनुमान जी का भक्त हो जाए, ऐसा आशीर्वाद है। लेकिन अब लड़के मत आना वरना वो हमारे खिलाफ केस कर देंगे बहना। हाँ, बहुत विनम्रतापूर्वक खुश रहो।